साउंड आ रहा होगा आपको, ये रिवीजन शीट आप लोगों ने ट्राई किया होगा। सो इन केस आपने ट्राई किया और आपको इस पे डाउट्स हैं हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट क्लास हम लोग कंडक्टर पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक उसी पर बेस्ड है। सो इन केस यू हैव ट्राइड एंड यू हैव अ डाउट देन यू कैन आस्क, अदरवाइज लोग आगे बात कर सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। सर एक मिनट है। Okay, जो क्वेश्चन आपने पूछे उसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, फिर वन बाय वन ट्राई करते हैं। 1, 3, 4, 5, 6 सो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर वन देखें तो ये बोलता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सप्रेशन से गिवन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा इमेजिनरी कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल में जिसकी रेडियस आर और ट्वाइस आर होगी, वो अपने को पता करना है। सो इन केस यू वांट टू ड्रॉ अ फिगर यू कैन ड्रॉ द फिगर कि कुछ ऐसे स्फीयर्स बनेंगे, एक आर रेडियस का होगा, एक टू आर रेडियस का है, और ये जो बीच वाला रीजन है इस पर कितना एनर्जी स्टोर होगा वो अपने को पता करना है। यू गॉट कि इसका वो आर है और इसका रेडियस है। सो एनर्जी स्टोर्ड निकालने के लिए हम लोग बोलते हैं कि दिस इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी व्हिच इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इनटू डीवी, डीवी फॉर वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम। आप आर डिस्टेंस पे जाओगे और स्फेरिकल शेल जैसे एक एलिमेंट कंसीडर करोगे तो उसका डीवी अपने को पता रहता है। सो यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ई स्क्वायर डीवी की जगह हम लोग लिख सकते हैं 4πr² dr। अब अपने को ई पता चल जाए तो काम हो जाएगा, ये अपने को पता है। ये जो ये है वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसको आप चाहो तो रेडियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हो स्फेरिकल्स में। तो ये ए रहेगा और ये आर वेक्टर लिखा हुआ है उसमें अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे रूट वाली पावर से तो फिर वो कैप बन जाएगा। तो इसको आप लोग चाहो तो ऐसा लिख सकते हो ए वन अपॉन आर ये पावर 3/2 है। या फिर इसको हम लोग ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी ई वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाय आर रेस्ट पर 3, क्योंकि आर का मतलब होता है अंडर रूट x² + y² + z² आर का मतलब है वेक्टर इज xi + yj + z। रीराइट करना चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो ए अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। So, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। सो पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने को लगने वाली है उसका मैग्नीट्यूड अपने को पता चल गया ए अपॉन आर स्क्वायर, देन यू कैन कैरी ऑन दिस। ये आएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर रेस्ट पावर 4 4πr² dr। आर स्क्वायर हैंडल हो जाएगा और 4 बाहर आएगा, सो इट विल बी लाइक 2 πε₀ और ए स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आर रेस्ट पावर -2 dr कैपिटल आर से 2r था। इसको जो आप परफॉर्म कर रहे होगे सो ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा कुछ ऐसा 2πε₀ a² विद इन ब्रैकेट इट विल बी लाइक अल्टीमेटली 1/r - 1/2r, तो 1/2r हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, πε₀ a² / r। ऐसा कोई एक्सप्रेशन आना चाहिए
that will be matching with the total energy stored. Example is काफी appropriate है. So ये आप coordinates में देगा. आप इसको radial spherical में convert कर लीजिए. क्या use कर सकते हैं? R vector is equal to x I plus y z plus z k. और इसके बाद solve हो जाता है. नेक्स्ट आपने सेकंड कर लिया है. थर्ड के बारे में पूछा है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट सेज फोर इक्वल चार्जेस आर केप्ड फिक्स्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर. तो ये सब दिख रहा है. अ चार्ज क्यू वन इज एट द सेंटर और आपसे पूछता है कि क्यू वन के बारे में बताइए. क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हमेशा रहेगा, नहीं हो सकता है, या फिर कंडीशनल है. सो पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये इक्विलिब्रियम पर है. हम लोग देखेंगे कि जो फोर्स चार्ज पर लग रहा होगा वो क्यू वन और वहां पर लगने वाली फील्ड होगी. आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सिंस ये आइडेंटिकल चार्जेस है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो टोटल फील्ड आएगी वो जीरो आ जाएगी. सो नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू वन इज गोइंग टू बी जीरो. इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम तो है. अब अपने को इक्विलिब्रियम से ऊपर जाकर चेक करना है कि क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर आप उसको स्लाइटली डिस्टर्ब कर दो तो उसको वापस उसी पोजीशन पर वापस आ जाना चाहिए. और या अगर ऐसा बोलो फोर्स लगना चाहिए. और अनस्टेबल कब होता है? जब फोर्स बाहर की तरफ लगे या कहीं और की तरफ लगे. So, अब देखोगे कि जैसे अगर हम थोड़ा से इधर शिफ्ट करते हैं सिमेट्रिकली लिमिट से ऐसा इस डायगोनल ले लो. सो आप पाओगे कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ जाएगा. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फील्ड इधर आएगा. वो सिमेट्रिकली चल रहे हैं तो इनकी वजह से क्या आएगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी वो इधर आ सकती है. लेकिन पहले यहाँ पर बैलेंस हो रहा था, अब ये नंबर बढ़ा हुआ है तो ये नंबर अभी भी छोटा रहा होगा. तो रिजल्टेंट फील्ड आप देख सकते हो कि रिजल्टेंट फील्ड इधर ही आएगी. सिंस इधर आएगा इसका मतलब ऐसे फोर्स भी रीस्टोरिंग लगेगा. फिर आप ऐसा भी चेक कर सकते हो अगर हम यहाँ पर लेके जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है. देन अगेन यू विल फाइंड कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा जो कि डोमिनेट करेगा, तो ये भी रीस्टोर कराएगा. सो अपेरेंटली अपने को ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इन सिमेट्रिकल लाइन्स के अलॉन्ग ले जाते हैं तो वो रिटर्न होकर के वापस जाएगा. बट वॉट वी नीड टू चेक कि क्या वो सभी डायरेक्शन में ले जाने पर स्टेबल बनता है. दैट मीन्स वॉट इफ अगर मैं किसी एंगल पर यहाँ पे लेके जाऊँ, उसको विजुलाइज करने के लिए बेस्ट वे होगा कि अगर हम फील्ड लाइन्स को ड्रॉ कर लें तो अपने को ज़्यादा आसान मिलेगा. तो यहाँ पर जो फील्ड लाइन्स आ रही हैं वो अपने को समझ में आया कि वो फील्ड लाइन्स कुछ ऐसा आएगा. अगर इधर हम आएंगे तो पास रहेगा और इस वाली लाइन पर भी हम लोग जा सकते हैं. एक पॉइंट चार्ज होता है तो फील्ड लाइन्स ही होती हैं, हम लोग जानते हैं. दो होते हैं तो फिर ये कुछ ऐसे जाने लगते हैं और बस उसी का यूज कर लेते हैं. तो क्या कुछ फील्ड लाइन्स अपने को ऐसा नजर आने वाली है? अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ ये मोस्ट लाइकली टाइप का ऐसा जाएगा कि इधर अपना ऐसा जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा और यहाँ की फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही होंगी. ये फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही होंगी. यहाँ से फील्ड लाइन्स आप पाओगे कि कुछ ऐसे जा रहे होंगे. ये भी फील्ड लाइन्स इस तरह से जा रहे होंगे. सिमिलरली इसके पैरेलल जाएंगे, यहाँ से आकर कैसे बेंड हो जा रहे होंगे. दिस विल बी बेंडिंग लाइक दिस, दिस विल बी बेंडिंग. ये भी अपने आप में इक्वेशन हो सकता है कि फील्ड लाइन्स कैसे जा रही है, ड्रॉ कर लिया. अब ये फील्ड लाइन्स को और भी आगे बनाओगे तो ऐसा जा रहा होगा कुछ. उसकी वजह से क्या पाएगा, सेंटर पर फील्ड लाइन्स अपने को जीरो मिलने वाली है. तो वहाँ पर फील्ड जीरो रहती है. कोई ना कोई फील्ड लाइन्स आप देखोगे कि कुछ ऐसे भी जा रहे होंगे, कुछ ऐसे भी जा रहे होंगे. सो जब आप स्लाइटली डिस्टर्ब करोगे मे बी लाइक हेयर, तो यहाँ पर या फिर इस डायरेक्शन में अगर आपको दिख रहा हो, लेट्स हमने यहाँ पर डिस्टर्ब किया इस तरह से, तो टेंजेंशियल टेंजेंट ऑन द फील्ड लाइन में भी ऐसा चला जाएगा. और अगर ये चार्ज क्यू वन है तो फोर्स उसमें इधर लग जाएगा तो किसी और डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगा. सिमिलरली जो फील्ड लाइन यहाँ पर होगी अगर आपने यहाँ पर डिस्टर्ब किया तो वो इधर जा सकता है, और यहाँ पर ले जाओगे तो वो इधर जा सकता है. तो पॉइंट इज कि अगर आप सिमेट्रिकल लाइन्स के कहीं और ले जाते हो तो वो रिस्टोर नहीं कर पाएगा. और अगर आपने केवल
ये सिमेट्रिकल लाइंस पे ले गए तो रिस्टोर करता हुआ नजर आता है, यहाँ पर ले गए तो रिस्टोर करता हुआ नजर आता है, बाकी और लोकेशन पे हम इंश्योर नहीं कर सकते हैं। और इनफैक्ट आप पाओगे कि वो टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस किसी और डायरेक्शन में आ सकती है जो उसको रिस्टोर नहीं करेगी। तो हम बोलेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पर हमेशा तो नहीं आ सकता है, कुछ ही कुछ केस में रहेगा और कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस में रहेगा। ओवरऑल हम ये बोलेंगे कि ओवरऑल ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगी, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में करो उसको रिस्टोर करना चाहिए। सो इट इज नॉट गेटिंग रिस्टोर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस एंड नॉट कैन नॉट बी इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो फील्ड लाइंस कई बार हमको हेल्प कर देते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन किधर जाएगी। एक बार फील्ड की डायरेक्शन मिल गया, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज मान करके ड्रॉ किया है, नेगेटिव चार्ज मान करके ड्रॉ करोगे तो एरोस बदल जाएंगे, बट यू विल फाइंड कि यहाँ पर कुछ फील्ड लाइंस अलग अलग डायरेक्शन में आएंगी जो कि रिस्टोर नहीं भी कर सकते। क्वेश्चन नंबर फोर में ये बोला गया, इसका मीनिंग क्या होता है वो मैथमेटिकल डेफिनेशन से आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि जब x की वैल्यू 1 और a और माइनस a के बीच में, दैट मीन्स इस वाले जोन में, उस समय a और माइनस a के बीच में, ये जब x की वैल्यू माइनस a और a के बीच में वो अपना ये एरिया है जोन है, उस समय इसकी डेंसिटी जीरो रहती है, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है। सिमिलरली ये रीड करोगे तो पता चलेगा यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है। सो केवल जो चार्ज है वो ये वाले पोर्शंस में, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जब हम इस जोन के बाहर बात करते हैं तो जो चार्ज डेंसिटी है वो एक्स पर डिपेंड कर रही है और इक्वालिटी लगी हुई है। इसका मतलब x इक्वल टू a पर, यहाँ पर या फिर माइनस a पर, ये माइनस a और ये a, तो वहां पर जो ये जो लाइन देखोगे ना, ये पूरी लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू a, तो इस डेफिनेशन से समझा जाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो x के बराबर है, दैट मीन्स a के बराबर है। सो नट से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो बचे हुए चार पोर्शन थे, जैसे ये नंबर वन मान लेते हैं, सो ये जो नंबर वन का डेंसिटी आएगा दैट मीन्स वी लेमडा इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स पर, और ये आएगा लेमडा इज इक्वल टू ए, पॉजिटिव एक्स पर। ये जो टू वाला था इसका जो डेंसिटी रहेगा, चार्ज डेंसिटी, वो लेमडा इज इक्वल टू ए रहेगा और ये रहेगा लेमडा इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस है और ये वाई के बराबर है। सो पहला तो अपने को ये समझना था वेयर द चार्जेस एंड हाउ मच द चार्जेस। सो ये जो along the parallel axis थे या on the axis थे उनका charge density zero है, बाकी एक semi-infinite हो गया, semi-infinite हो गया। अब इन semi-infinite की वजह से center point या origin point पर कितना field आएगा, किस direction में आएगा, वो अपने को पता करना है। So अगर आप इस वाले को पकड़ते हो, ये वाला जो हम लोग x equal to minus a पर draw किया है, तो ये सेमी इनफाइनाइट की वजह से, सिंस ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो एक फील्ड की डायरेक्शन अपने को माइनस एक्स में मिलेगी, एक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट अपने को इधर मिलेगा। ये कहाँ से, एक रिजल्ट मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। अगर ये इनफाइनाइट डायरेक्शन में जाता है और ये लेमडा है और यहाँ से हम किसी आर डिस्टेंस पर बात कर रहे होते हैं, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, के लेमडा अपॉन आर, के लेमडा अपॉन आर। ये तब जब लेमडा पॉजिटिव होता है, लिम्डा जब नेगेटिव हुआ तो इनकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो वही रिवर्स डायरेक्शन मैंने प्लॉट किया है, अगर डायरेक्शन मैं प्लॉट कर रहा हूँ, सबका मैग्नीट्यूड आएगा के लिम्डा बाई ए, के लिम्डा बाई ए, और लिम्डा की मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू बराबर है। तो इसके बाद अब इस वाले इनफाइनाइट वायर पे आओ, सेमी इनफाइनाइट पर, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके लिए ये पॉइंट सेमी इनफाइनाइट का काम करेगा, तो इसकी एक फील्ड कंपोनेंट अपने को इधर मिलेगी और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा नेगेटिव एक्स में, दोनों के लैम्डा बाई ए आएंगे। सिमिलरली अब आप इस वायर पर आओ, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसका एक कंपोनेंट नेगेटिव एक्स में मिलेगा और दूसरा कंपोनेंट पॉजिटिव वाई पे मिलेगा। देन फाइनली कम टू दिस, इनफाइनाइट इधर जा रहे हैं और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसका एक कंपोनेंट टूवर्ड्स आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, और सभी कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड के लैम्डा बाई ए है। नाउ यू सी दीज टू विल ऐड अप टू जीरो, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो जाएगा और रिजल्टेंट फील्ड अपने को ओ पॉइंट पर इस डायरेक्शन में मिलने वाली है।
ये माइनस आई कैप डायरेक्शन है, तो अपना आंसर माइनस आई कैप आ जाएगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये प्लस आई कैप बता रहा है क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, ये 45 की बात कर रहा है बीच में कहीं, और ये अपने को माइनस आई बता रहा है, और ये भी कहीं बीच की बात कर रहा है। सो सी ऑप्शन विल बी अप्रोप्रिएट विच इज माइनस आई कैप डायरेक्शन। सो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिवाइज किए थे सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर पे कितना फील्ड होता है उसके बारे में बताते हैं। सो दैट्स योर फोर्थ, नेक्स्ट दैट यू हैव आस्क्ड इज फिफ्थ एंड सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर 5, ये बोलता है कि अपने पास एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर है, और इस तरह से अरेंज किया जैसा अपने को दिख रहा है। ये वन पॉइंट है, वो इसका मिड पॉइंट है, और ये जो टू पॉइंट है इसी के पैरेलल है, और जितना भी डिस्टेंस यहाँ पर इधर थी उतना ही डिस्टेंस यहाँ रखी है। सो बेसिकली ऐसा अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये C1 का जो गैप है वो D था टोटल, तो ये जो नीचे से बच रहा है थोड़ा सा सिमेट्रिकल दिखा, इसको मिड पॉइंट पर है, तो ये D बाई टू हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस D बाई टू हो जाएगी, जहाँ पर D C का गैप है। C2 का गैप ऑफकोर्स ज़्यादा रहा होगा दिखाया गया जैसे। आपसे बोलता है कि देन द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्सेज किस पर, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को वन पॉइंट से आप एग्जैक्टली मिड ऑफ दिस सी वन से सी टू पर ले जाते हो, यहाँ से वन से टू पर ले जा रहे हो, तो कितना वर्क डन आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो हम लोग जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू द पॉइंट चार्ज दैट यू आर मूविंग इन टू द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दैट्स हाउ द वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड। अपने को टू पॉइंट का पोटेंशियल वन पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा तो काम हो जाएगा। सेम बैटरी से कनेक्टेड है, इसका मतलब इसका टोटल पोटेंशियल ई रहा होगा, इसका भी टोटल पोटेंशियल ई रहा होगा। ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा और बोल लेते हैं। लेट से अगर अपने को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा दिया गया, और ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है या नेगेटिव चार्ज प्लेट है, टोटल पोटेंशियल ई है, तो किसी एक्स डिस्टेंस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो एक्स डिस्टेंस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हम बता सकते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि ये जो नेगेटिव प्लेट है उसका पोटेंशियल वी नॉट है, तो इस वाले का पोटेंशियल आएगा ई प्लस वी नॉट, डिफरेंस हमारा वी नॉट ई आना चाहिए। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा जो पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया है, तो उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं दिस पोटेंशियल इंक्रीजेस लीनियरली। कैसे, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू गैप होता है डी, अगर वो एक्स गया तो एक्स आ जाएगा। सो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल आएगा इस पॉइंट का तो आएगा वी नॉट प्लस ई इंटू एक्स, ई और एक्स से मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। अगर हम डी तक जाएंगे तो अपने को मिल जाएगा ई इंटू डी, और ई इंटू डी ई के बराबर हो जाएगा ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट है जो पोटेंशियल के बारे में बात करता है, इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि हमको वन पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, टू पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। तो जब आप वन पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहे होगे तो अपने को एक मान, आई एम अज्यूमिंग कि ये बेस का पोटेंशियल है वो वी नॉट है, तो वी नॉट प्लस समथिंग पर जाने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट इन टू डी बाई टू, potential of 2 is going to be the same reference plus electric field inside that 2 into d by 2, kyunki dono ka gap barabar bataya gaya. Acha, electric field kisi capacitor ke andar kitni hoti hai, to electric field agar hum log likhna chahe to that is written as q upon a epsilon naught, sigma upon epsilon naught basically. So aap bologe ki ye ban jayega v naught plus q1 upon a epsilon naught into d by 2, और ये बन जाएगा v naught plus q2 upon a epsilon naught d by 2. Further, q कितना होगा? q इस बात पे depend करेगा कि c कितना था, potential तो e लगा हुआ है, तो q की value this c1 आ जाएगी, और q2 की जो value आएगी that is going to be e c2. So आप चाहो तो q को हम चाहें तो q को replace कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं
EMF into C1, इसको लिख सकते EMF into C2, EMF C1, EMF C2. Now, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो अपने को C1 और C2 में कंपैरिजन हो जाएगा, क्योंकि C की जो डेफिनेशन होती है दैट इज A epsilon not by D. एक बात तो क्लियर है कि इसका D ज्यादा है, तो जिसका D ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस कम आएगा. C2 का D ज्यादा है तो C2 का कैपेसिटेंस कम होगा. समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलता, और अगर आपको समझ में आ रहा है देन ओके. सिंस अपने को पता चला कि C2 की वैल्यू कम है, C1 की वैल्यू ज्यादा है, तो क्या यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि C1 की वैल्यू कम ज्यादा है, C2 की वैल्यू कम है, तो इन दोनों V1 और V2 में कौन सा बड़ा रहा होगा, वो हम कंक्लूड कर सकते हैं. वी कैन से कि V1 की वैल्यू बड़ी होगी V2 के से, तो V1 और V2 में V1 बड़ा होगा. अगर V1 बड़ा हुआ तो ये नंबर कैसा आएगा, नेगेटिव. क्यों, हमारा पॉजिटिव है, ऐसा बोला होगा कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को लेके जाते हैं, तो ये जो W आएगा वो W हमारा नेगेटिव आ जाएगा. अच्छा, ये W कौन सा था, इसको अपने को ख्याल करना होगा. ये W एक्सटर्नल होता है, जब हम Q into delta V लिखते तो एक्सटर्नल का वर्क डन होता है, और जब अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक का लिखना होता है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू लिखते हैं. दैट मींस माइनस क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. और हम लोगों ने बात कर ली, अगर इसको आप रीराइट करो तो ऐसा हो जाएगा क्यू वी वन माइनस वी टू, और वी वन बड़ा है वी टू छोटा है, तो ये नंबर ओवरऑल कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा वर्क करेगा, पॉजिटिव, और ये एक्सटर्नल कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव. अब हम बता सकते हैं कि किसके बारे में बात कर रहा है, उसी का आंसर दे देंगे. इसने बोला है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इट हैज टू बी पॉजिटिव. मैंने कई सारे फॉर्मूलाज लगाए, आप और भी कम फॉर्म कर सकते हो, बट आइडिया क्या है, अपने को इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल चेक करके बताना है. यस सर, इसमें मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो उसे जीरो नहीं बोल सकते क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है. देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन व्हाट अबाउट दिस फ्रिंज लोकेशंस, हर जगह पे तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. अगर विद इन द कैपेसिटर ओनली, सिंस वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा रहता है, और यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तब हमको पता कि परपेंडिकुलर चल रहा है. अब ये अलग लोकेशन है, ये अलग लोकेशन है, बीच में भी तो कुछ हो सकता है. तो जब कभी हमको दो पॉइंट्स पता हो, वर्क डन निकालना हो, तो वर्क डन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लाइक पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो उस लोकेशन का पोटेंशियल, इस लोकेशन का पोटेंशियल, दैट्स व्हाट आई डिड. और परपेंडिकुलर वाला जब सेम यूनिफॉर्म फील्ड पे चल लो, परपेंडिकुलर हो, नॉन यूनिफॉर्म भी होगा तब भी चलेगा, अगर परपेंडिकुलर कंटीन्यूअसली मिलता है देन वी कैन क्लेम सो कि वो जीरो होता है. अच्छा क्वेश्चन है जो आपको मतलब रिलेट कराएगा, पुरानी चीजों को याद दिलाएगा और कुछ उनका आपस में क्या रिलेशन चल रहा है. क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का था, यहाँ पर आ गया, फिर भी आप वैसे आप सब पढ़ चुके हो तो आपको रिकॉल तो हो ही जाएगा. इसने बोला है कि कंडक्टर बी इज इन इक्विलिब्रियम. अब देखो एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्ट वायर है, बेसिकली लॉन्ग वायर्स है, वेरी लार्ज कंडक्टर्स हैं, तो यहाँ पर बैटरी लगाओगे तो आप पाओगे कि एक ऐसा करंट जाएगा, एक ऐसा करंट जाएगा. इनके नाम आई वन आई टू आई थ्री दे सकते हैं. आई वन कितना होगा, आई टू कितना होगा, आई थ्री कितना होगा, ये हम बता सकते हैं. अगर इसका नाम हम वी दे देते हैं तो I1 की वैल्यू आएगी V डिवाइड बाई R, जो कि 2 प्रोपोर्शन में है, तो उसको 2R पकड़ सकते हैं. I2 की वैल्यू आएगी V डिवाइड बाई 3R, I3 की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं V डिवाइड बाई 5R, जहां पर V और R दे आर कांस्टेंट, उनको रेशियो में हम कभी भी गायब कर सकते हैं. इसके बाद आपसे बोलता है कि 2 वाला इक्विलिब्रियम पर है. अगर ये बी वायर इक्विलिब्रियम पर है, इसका मतलब है कि ये जो ए वायर है वो कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा. आपको याद होगा कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में एक फोर्स लग रहा होता है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि उसका फॉर्मूला कितना होता है,
कुछ म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी टाइप करते हैं. सो पैरेलल है इसलिए फोर्स किधर लग रहा होगा वो भी आपने याद रखा होगा. तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन से भी हम लोग निकाल सकते हैं, एल क्रॉस बी करेंगे तो ये अट्रैक्टिव आएगा, तो ये इधर पुल कर रहा होगा एफ फोर्स. एक और वायर अपने को यहाँ पे दिखाया जा रहा है सी, और सी पर भी पैरेलल करंट आई थ्री है, तो सी वाला भी इसको एक फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में. और अगर दोनों फोर्सेस बराबर हो गए तो ये बैलेंस हो जाएगा. यू कैन कॉल इट एज अ फोर्स वन और फोर्स टू और समथिंग लाइक दैट. फोर्स टू इस वाली डिस्टेंस को यूज करेगा और फोर्स वन इस गैप को यूज करेगा. एक गैप अपने को दिया गया ए बी के बीच का गैप फाइव है और आपसे ए और सी के बीच का पूछ रहे हैं. जाहिर सी बात है ए और सी का आपने पूछा है तो ए और सी ज्यादा दूर है ए बी से, तो फाइव से तो बड़ा ही आने का, तो टू आंसर नहीं हो सकता है, फाइव आंसर नहीं हो सकता है, इन्हीं दोनों में आंसर आएगा. फिर क्या बोल सकते हैं कि दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए. सो यू जस्ट क्लेम कि एफ वन इज इक्वल टू एफ टू विच सेज, ताकि कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा. फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आएगा म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड बाई ट्वाइस पाई एक्स वन. ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है और पर यूनिट लेंथ में हम कंपेयर कर सकते हैं. दूसरा आएगा म्यू नॉट आई टू आई थ्री डिवाइड बाई टू पाई एक्स टू. नेक्स्ट लाइन में काफी कुछ हैंडल हो जाएगा, तो ये आएगा आई वन अपॉन एक्स वन इज इक्वल टू आई थ्री अपॉन एक्स थ्री एक्स टू. आई टू भी कैंसिल हो गया. अब आपको आई वन आई टू के बारे में ये सब पता है, रख देंगे तो वी बाई आर भी कैंसिल हो जाएगा. और एक्स वन आपको निकालना है, एक्स टू आपको पता है, तो एक्स वन निकल के आ जाएगा. एक बार एक्स वन आ गया तो आंसर में एक्स वन प्लस एक्स टू बताना है, तो फाइव ऐड कर देंगे आंसर मिल जाएगा. सो करंट के केस को यूज करके हम ये बता सकते हैं. सो ये आपके क्वेश्चंस हो गए 1 to 6. उसके आगे अगर आपको डाउट है तो आप आओगे, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाने में हेल्प करेंगे. इन केस अगर आपने नहीं ट्राई किया तो एक बार घर में क्लास के बाद जरूर ट्राई करें, रीट्राई करें अपने आप से, फिर देन सी कि हमने जो बोला था क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो. इट विल हेल्प अ लॉट. Anyway, in case you tried after 6, 12, 13, 15. So question number 12, 13, 15. Now 12 बोलता है कि अपने पास two cons है, ये coaxial rings हैं, एक ही axis पे रखा हुआ है. और कुछ आपको बताया जाता है कि उनके चार्जेस वगैरह कैसे हैं. और फिर पूछते हैं आपसे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस टू क्यू ऑफ नेगेटिवली चार्ज रिंग वुड बी. सो एक चार्ज है जिसका नाम इसने दिया गया स्मॉल क्यू, इसको आप यहाँ पे पी पर रेस पे छोड़ देते हो. तो अब देखो क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके सेंटर पे फील्ड जीरो आएगी. ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड इधर एग्जिस्ट कर रही होगी और ये फील्ड इस चार्ज को फोर्स लगाएगा. फोर्स लगाएगा तो इसके पास वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी तो ये चलना स्टार्ट करेगा. जब ये थोड़ा सा आगे जाएगा तो इसका भी फील्ड इधर आएगा और इसका भी फील्ड इधर आएगा, दोनों मिल करके उसको एक्सेलरेट करेंगे. उस एक्सेलरेशन से ये क्यू पर जब पहुंचेगा कैपिटल क्यू पर तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी. वेलोसिटी आने का मतलब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. तो अपने को ये बताना है कि कितना काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के पास आती है. सो आइडिया क्या है कि हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर लो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव वन. नो आप बोलोगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आएगा दैट हैज टू बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेट्स से के ही है, इनिशियली जीरो रहा होगा क्योंकि रेस पर था और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है. और सिंस उसने के ही पूछा है तो आप चाहो तो के ही लिख के रखो. ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा कोई और फोर्स तो वर्क कर नहीं रहा है. तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है माइनस क्यू इन टू चेंज इन द पोटेंशियल, दैट मीन्स पोटेंशियल एट क्यू लोकेशन माइनस पोटेंशियल एट पी लोकेशन. अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था यहाँ पर वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज नेगेटिव ऑफ द चार्ज इन टू पोटेंशियल डिफरेंस. बस यही अपने को आंसर देना है. नाउ पोटेंशियल एट पी कितना होगा, पोटेंशियल एट क्यू कितना होगा वो निकालने का.
पोटेंशियल एट पी इसकी वजह से और इसकी वजह से, खुद की वजह से कितना आएगा, तो आप बोलोगे इसका टोटल चार्ज हो जाएगा लेमडा इंटू टू पाई आर, तो फॉर्मूला बनता है के इंटू द चार्ज विच इज टू पाई आर इंटू लेमडा डिवाइड बाई आर प्लस इसकी वजह से यहाँ पर कितना आएगा पोटेंशियल, तो आप बोलोगे के इंटू द चार्ज विच इज माइनस टू पाई आर लेमडा वाई माइनस, क्योंकि ये माइनस लेमडा था, डिवाइड बाई डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस लगती है आप जानते हो ये आर है ये भी आर है, तो ये आर रूट टू हो जाएगी, so that will be r root 2. This is potential of p. Similarly, can we write the potential of q? Yes. इसका इसके सेंटर पर इसकी वजह से यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल q का आ जाएगा, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऐसा, तो अपने को काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपने को क्या मिल जाएगी, इट्स लाइक q v p माइनस v q. जब उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने को एक आंसर मिल जाएगा, ये नहीं आ सकता क्योंकि अंडर रूट लगा रखा है, तो इनमें से कोई आ जाएगा. सर वेलोसिटी पूछता तो इनमें ये हो सकता था. यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में माइनस क्यों नहीं, सिर्फ क्यों लिखते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में माइनस क्यों आता है क्या? नहीं समझा फिर से बोलो. सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड से वर्क डन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उसके अंदर सिर्फ क्यू डेल्टा भी लिखते हो, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रहती है उसके अंदर माइनस आता है क्या? नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, दोनों का एक ही मतलब है. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये बेसिकली फंडामेंटल है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी चेंज. कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो, मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, मे बी ग्रेविटेशनल हो, मे बी स्प्रिंग फोर्स हो, और वॉट्स एवर, तो जब कभी हम यहाँ पे ग्रेविटी लिखेंगे तो भी ऐसा लगाएंगे, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखेंगे तब भी आएगा. हाँ, फील्ड कौन सी होनी चाहिए, कंजर्वेटिव होनी चाहिए. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस होगा तो उस पर ऐसा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होती है. तो हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, दोनों का सेम मतलब रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में. Yes, sir. 12 के बाद आपने जो पूछा है वो 13 थे. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉन्ग सिलेंडर है, तो ये हम लोगों ने क्लास नोट्स में किया होगा, नहीं किया है तो आप मेरे को रिमाइंड करा सकते हो, तो मैं भी प्रूफ कर सकता कि सिलेंडर्स की फील्ड क्या होती है, सॉलिड सिलेंडर के इनसाइड एंड आउटसाइड इनफाइनाइटली लार्ज. और अगर आपको प्रूफ करने का इंटरेस्ट है, देन यू कैन यूज द गॉस लॉ. और उसके ये रिजल्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा तो हम वहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहे होंगे, हमारे पास जो रिजल्ट है डायरेक्टली उनको यूज करने वाले हैं, क्योंकि प्रूफ में टाइम लगने वाला है, अनटिल अनलेस यू आर सो फास्ट. सो लॉन्ग सिलेंडर के इनसाइड कितना फील्ड आता है, आउटसाइड कितना फील्ड आता है, वो हम लोगों ने बात किया था. तो याद होगा, ऐसा बोला होगा कि आउटसाइड फील्ड के 2k लैम्डा बाय आर आ जाती है, जस्ट लाइक अ वायर. इनसाइड के लिए अपने को गॉसियन सरफेस लेकर के उसको प्रूफ करना होता है, तो आउटसाइड 1/r आना चाहिए, ये हम बोल सकते हैं. तो जब r ग्रेटर देन r होगा, दैट मीन्स आउटसाइड है, तो ये 1/r² नहीं आएगा, 1/r आएगा. और ये भी आउटसाइड है, तो ये 1/r आ रहा है. फिर अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये नंबर आएंगे, तो उन नंबर्स को चेक करना पड़ेगा. और अब एक लेमडा डेंसिटी को रो डेंसिटी में कैसे लिख सकते हो, वो भी मैंने बताया, और एक बार फिर से बता देता हूँ. तो सपोज कर लीजिए अपने को इनसाइड निकालना है, तो इनसाइड के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक गॉसियन सरफेस लेने वाले हैं ऐसा. L लेंथ का और रेडियस R का, और फिर बोलेंगे कि इससे फ्लक्स मेजर करते हैं, गॉस लॉ लगाते हैं. अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है, दैट्स बेस थिंग, ये स्टैंडर्ड टाइप का. E डॉट ds निकालोगे तो आप देखोगे इसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, तो ये वाले सरफेस से फ्लक्स जीरो आएगा, बॉटम से फ्लक्स जीरो आएगा, तो कर्व सरफेस से आएगा. E डॉट ds करोगे तो ये बनेगा E यूनिफॉर्म, और ds का मतलब आएगा 2 पाई r इनटू l. दिस मस्ट बी इक्वल टू चार्ज इनसाइड. अगर आपने डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक लिया है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, वॉल्यूम बनेगा पाई आर स्क्वायर एंड एल, दैट्स वॉल्यूम, बेस एरिया इनटू हाइट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. So, E की जो वैल्यू है ये हम इनसाइड पॉइंट के लिए लिखा है, R is less than R, that's called inside.
सो यू विल फाइंड कि पाई कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल आर कैंसिल आउट हो गया, एल कैंसिल आउट हो गया, एक स्मॉल आर बच रहा होगा, तो ये बन जा रहा है रो आर अपॉन टू एफ सॉलेनोइड. सो ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का, कब जब हम इनसाइड पॉइंट के बारे में बात करते हैं. तो ये आपको याद रखना है कि आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आते हैं, रो आर अपॉन टू एफ सॉलेनोइड. अब देखो कि फर्स्ट में यही बोल रहे हैं, इसलिए हम फर्स्ट को मार्क कर देंगे. तो इनसाइड का अपने को पता चल गया. अब ये नहीं हो सकता है क्योंकि अगर टू आया है तो फिर ये नहीं आ सकता है. इसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, लॉन्ग सिलेंडर सॉलिड का केस में क्या रहता है. फिर मैं आउटसाइड का भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो वो भी आप याद रख सकते हो. सो इनसाइड एंड आउटसाइड. आउटसाइड के लिए क्या बोलोगे, बड़ा सा सिलेंडर लोगे, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आएगा ई इंटू फ्लक्स के लिए 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू द चार्ज. जब चार्ज लोगे तो ये बाउंड्रीज आएंगे केवल, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो एक एक्सप्रेशन आता है रो, पाई पाई कैंसिल हुआ है, आर स्क्वायर डिवाइड बाई रो कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट आर. तो ये फॉर्मूला आउटसाइड के लिए आना चाहिए. अब देखो आउटसाइड में एक बार इसने लिखा रो आर क्यूब, ये तो गलत ही लिखा है, और इस पे भी उसने लिखने की कोशिश की है लेकिन ये भी गलत कर दिया. क्या गलत कर दिया, यहाँ पे टू लगाना चाहिए था. सो करेक्ट आंसर केवल ए ऑप्शन रहेगा. नाउ यू गॉट टू रिजल्ट्स फॉर आउटसाइड फॉर इनसाइड. And you can remember, you can also remember कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा. हो सकता है E versus R, तो हम बोलेंगे पहले लीनियरली जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर हाइपरबोलिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिकली नीचे आएगा ऐसा. और मैक्सिमम कहाँ पर होगा, बाउंड्री पर. इम्पोर्टेंट है एज अ रिजल्ट. इसका फायदा ऑप्शन दिए होंगे आप डायरेक्ट मार्क करोगे आगे जाओगे, अदरवाइज आप इस तरह से ड्राइव भी कर सकते हो कभी भी दो लाइंस में. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपने पूछा है इज 15th वन, सो दैट विल बी ऑन द नेक्स्ट पेज. रिकॉर्डिंग हो रही है, गुड, सो दैट विल हेल्प यू लेटर एज़ वेल. 15th ये भी एक अच्छा सवाल है, सिंपल है. 15th सेज कि अपने पास ये कंडक्टिंग मेटालिक क्यूब है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, साइड ए दिया गया है, और डी डिस्टेंस पर उससे एक चार्ज रखा गया है जिसका नाम प्लस क्यू है. आपसे पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर बताना है, इस सेंटर पॉइंट पर ऑफ द क्यूब ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस ऑन द क्यूब. अब देखोगे कि किसी मेटालिक के पास अगर आप चार्ज रखते हो ना तो उस पर चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं. तो ये प्लस चार्ज है तो ये वाले फेस पे माइनस आ जाएगा, ऊपर प्लस चला जाएगा, और ये कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे. तो इन दोनों की वजह से आप पाओगे कि यहाँ पर सेंटर पर फील्ड आने लगे कुछ ऐसा, और ये फील्ड अपने को निकालनी है इंड्यूस चार्जेस की वजह से. हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर लेट्स से इसके पास जो चार्ज आता है क्यू इंड्यूस्ड आता है, तो इस ओ पॉइंट पर जो फील्ड आएगी नेट सेल में, तो फील्ड आएगी बिकॉज ऑफ क्यू चार्ज प्लस बिकॉज ऑफ इंड्यूस चार्ज, ये टोटल फील्ड बनेगी. और हम जानते हैं कि सिंस ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के इनसाइड का फील्ड जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा. तो यहाँ से अपने को पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस्ड की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आनी चाहिए माइनस ई क्यू की वजह से आनी चाहिए. अब क्यू की वजह से डी डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है तो उसकी फील्ड इधर आती है और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आती है, ये बनेगा माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर, और ये जे कैप आएगा. बस हो गया आंसर. तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी स्क्वायर माइनस जे कैप. ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसको मार्क कर देंगे. इंड्यूस की वजह से वही आएगा जो क्यू की वजह से था, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी क्योंकि दोनों का सम जीरो रहता है. सर यस सर, लाइक अगर उन्होंने बोला रहा था वो पॉइंट सरफेस के ऊपर लाइक कर रहा है, मतलब
तो इसी तरह से जाते हैं, और कोई दूसरा मेथड है उसका? जब तक पॉइंट कंडक्टर पर होगा तो कंडक्टर के इनसाइड जो फील्ड होती है सरफेस पे बोलेगा, देन वी नीड टू बी केयरफुल कि सरफेस क्या है। अगर जस्ट इनसाइड है या जस्ट आउटसाइड है, क्योंकि सरफेस पे डिसकंटिन्यूअस होती है फील्ड, तो जस्ट इनसाइड होगा जस्ट आउटसाइड होगा तो अपने को ये लगा देने का, इनसाइड के लिए ये यस लगाने सर, का। आउटसाइड आउटसाइड के लिए हम लोग जानते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है बाहर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसका सिग्मा निकाल करके निकालेंगे। लेकिन वो टफ जाएगा क्योंकि सिग्मा निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि इसमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। और अगर स्फेरिकल सिमेट्रिकल होगा तो वहां पर हम लोग सिग्मा निकाल भी सकते हैं। सो दैट्स योर 15th। आफ्टर 15th इफ यू हैव ट्राई आइडेंटिफाइंड कि सम क्वेश्चन हैज टू बी डिस्कस्ड, तब वो ट्वेंटी 21 27, सो वी कैन गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 20th। 20 21 27। बाकी लोगों ने अगर अभी ट्राई नहीं किया है तो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको आप वॉच करो केयरफुली, घर पे जाने के बाद जितना जो जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हुए उनको रीट्राई करो पहले, बाकी बचे हुए को रीट्राई करो। डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ सकते हो, इट्स टोटली ओके। सो 20th एक अच्छा सवाल है। फिर से ये बोलते हैं एक पॉइंट चार्ज है, एक रिंग है, इसका मास एम दिया गया, इसका भी मास एम दिया गया, इसका भी चार्ज क्यू है, इसके साथ इसकी रेडियस आर है, और ये स्मूथ है, ग्रेविटी इग्नोर करने को बोला है, ये सारा कुछ इसमें मिलेगा आप पढ़ोगे तभी। ग्रेविटी फ्री है, फ्रिक्शन लेस है, और इस पार्टिकल को आपने वी नॉट से पुश किया है, तो आप देखोगे कि अगर इसको आप सिस्टम मानते हो तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा रिपल्शन का लगेगा वो इक्वल एंड अपोजिट रहेगा, तो नेट फोर्स जीरो रहेगा, तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, इसने बोला है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच की क्या होगी, तो आप पाओगे कि जब ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस से पहुंच जाएगा उस समय ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा वो किसी वी वेलोसिटी से जा रहा होगा, और ये जो रिंग है वो भी किसी वी वेलोसिटी से जा रही होगी, तो दोनों की वेलोसिटीज बराबर हो जाएंगे। अब ये कैसे पता चला, तो हम लोग कई बार कई क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब वो क्लोजेस्ट होता है या फार्देस्ट होते हैं म्यूचुअल फोर्सेस में, ये मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस तभी आती है जब उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बदल जाता है, दैट मींस उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाती है, दैट मींस दे कैरी द सेम वेलोसिटी दैट मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नो ये एम मास है, ये भी एम मास है, सो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन विल से कि एम वी नॉट इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल एम वी प्लस एम वी, दैट मींस वी मस्ट बी वी नॉट बाई टू। सो क्लोजेस्ट अप्रोच के टाइम पर वो किस वेलोसिटी से चल रहे होंगे वो अपने को पता चल गया। सिंस कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई और स्टोरी है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन है नहीं, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं या फिर वर्क एनर्जी, तो व्हाट एवर यू लाइक। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो ये बोलता है कि इनिशियली दे आर फार अपार्ट मतलब फ्रॉम अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, मीन्स कि वो इनफाइनाइट गैप पे थे, इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। इसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू अपॉन मिनिमम सेपरेशन, लेट्स से दैट्स, इसको ध्यान से लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, लेट्स से वो पोटेंशियल एनर्जी यू है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी उस इंस्टेंट की है जब ये क्लोजेस्ट अप्रोच पे थे। यहाँ पर लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं कि जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो आ रहे है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं पर इश्यूज बन सकते हैं, ये आ रहा है। अच्छा, ये रेडियस कितना है ये तो अपने को पता है, कैपिटल आ रहा है, और अपने को इस समय पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। हम लोगों ने बात किया था कि अगर पॉइंट चार्जेस होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आती है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, लेकिन अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पर हम पोटेंशियल निकालेंगे और क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो पोटेंशियल एनर्जी आएगा क्यू इंटू द पोटेंशियल ऑफ द रिंग एट दिस लोकेशन विच इज गोइंग टू बी के इंटू द क्यू, क्योंकि इसका चार्ज क्यू है, divide by distance, this distance is going to be useful for us, so that distance is going to be basically under root r square plus capital r square,
अब इस यू को आप यहाँ पे जंप कर सकते हो, या अगर आप एक काम करो कि इससे यू निकाल करके यहाँ पे रख लो, फिर इसके बाद कैपिटल आर पता है, स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लिए, निकाल देंगे आंसर आ जाएगा, कोई ना कोई आंसर मैच कर जाएगा। यहाँ पर दो क्रक्स पॉइंट थे, एक तो ये था कि इसको मैकेनिक्स से रिलेट, मैकेनिक्स वाले पॉइंट याद करने थे कि लीस्ट सेपरेशन होने पर सेम वेलोसिटी से चलता है, फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखना है उसके लिए Q into the potential, ऐसा करने से अपने को करेक्ट आंसर मिलता। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी सिमिलर टाइप का है, कुछ एनर्जी से रिलेटेड है। ये बोलता है कि अपने पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, सिमिलर टाइप वी हैड इन द क्लास एज वेल, एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं, एक यहाँ पर चार्ज है, एक यहाँ पर चार्ज है, एक यहाँ पर चार्ज है, एक यहाँ पर चार्ज, इसके कोऑर्डिनेट्स, इसकी साइड ए है टोटल, तो ये ए बाई टू हो जाएगा, ए बाई टू सब आ जाएंगे, कुछ प्लस कुछ माइनस हुआ, आप देख सकते हो वही उसने प्लस माइनस बोला है। तो ये जो दो पॉजिट्रॉन्स है, पॉजिट्रॉन इज बेसिकली पॉजिटिव वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्लस ई को पॉजिट्रॉन बोलते हैं। सो पॉजिट्रॉन्स आर ए बाई टू माइनस ए बाई टू, सो प्लस इलेक्ट्रॉन ए बाई टू पर है और माइनस वाले पर यहाँ पर है, और दो प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन यहाँ पे रखा गया, एक प्रोटॉन यहाँ पे रखा गया, तो चार्जेस पॉइंट ऑफ व्यू से सब बराबर है, सबके बराबर पास बराबर चार्ज है। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, सो मास इलेक्ट्रॉन का लेगा, चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस की होता है, दैट्स द डिफरेंस, तो याद रख सकते हो। बोलते कि इसको यहाँ से रिलीज किया गया तो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सब प्लस क्यू चार्जेस है, तो इनमें रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन लगेगा तो ये एक्सपेंड करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, जब ये बहुत दूर चला जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वही आपसे पूछा है, ग्रेविटी को इग्नोर करने के लिए बोला है, और दे मूव्स सिग्निफिकेंटली लार्ज डिस्टेंस अपार्ट, दैट मीन्स कि बहुत दूर चले जाते हैं। सो रूल क्या है, ये रूल लगा देंगे। अब बोलोगे इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, आई एम राइटिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना रहा होगा, सो अब जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोगों ने बात किया था कि आपको याद होगा ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया था कि इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या है अरेंजमेंट का, तो आपने कुछ ऐसा बोला था इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, बाय द वे सभी के चार्ज बराबर है, वही आंसर आ जाएगा। तो फोर तो इन्हीं के आ जाएंगे, एल डिस्टेंस वाले या ए डिस्टेंस वाले, तो आएगा के क्यू क्यू, क्यू का मतलब ई है, तो ई इंटू ई, दैट मीन्स ई स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ऐसे फोर आ जाएंगे, और दो इंटरेक्शनल वाले आएंगे, प्लस टू टाइम्स के ई इंटू ई, दैट इज ई स्क्वायर डिवाइड बाई ए रूट टू, सो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली। फाइनली कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो आप लिखोगे हाफ एम ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन के स्क्वायर, ऐसे दो आएंगे, दो प्रोटॉन्स होंगे, पी फॉर प्रोटॉन्स लेट से, प्लस हाफ मास ऑफ ई पॉजिट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, और वी ऑफ ई का स्क्वायर, ऐसे भी दो होंगे। सो मास ऑफ प्रोटॉन अपने को पता होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 200 टाइम है मास ऑफ पॉजिट्रॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू रफली 2000 टाइम्स मास ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का वही मास होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है। अब आप चाहो तो यहाँ पर MP की वैल्यू रख सकते हो एम ई के टर्म में, और ये सारे नंबर अपने को पता है, ए की वैल्यू उसने ए के टर्म में या ए की वैल्यू बताई होगी, ए 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बाकी ई की वैल्यू पता है, के वैल्यू नोन है, सो पॉइंट इज कि यहाँ से अपने को VP और VE में एक इक्वेशन मिलेगी, बेसिकली उनके स्क्वायर्स में एक इक्वेशन मिलेगी, बस हो गया, एक इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। इसके बाद अपने पास ये चार ऑप्शंस हैं, मैच करा लेंगे, सो इसको रख करके चेक करेंगे क्या वो जस्टिफाइड है, फिर इसको रख करके चेक करेंगे क्या जस्टिफाइड है, क्या जस्टिफाइड है, क्या जस्टिफाइड है, जो जस्टिफाई करेगा वही अपना आंसर बन जाएगा। यहाँ पर अपने पास एक ही इक्वेशन बन रही है, इसलिए अपने को वेरीफाई करना पड़ेगा। हालांकि आपने पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखा है, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, जीरो, क्यों जीरो आएगा, उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो स्टीम सिग्निफिकेंट डिस्टेंस तक चला गया था। सो अब इनकी सारी वैल्यूज को रखो, सिंपलीफाई करो, देन टेक दिस, इसको सॉल्व करोगे तो आपको कैलकुलेशन में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा,
और आंसर वेरीफाई हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि आपसे आपने कैलकुलेशन प्रॉपर किया है. देन यू आस्किंग क्वेश्चन नंबर 27. ये बोलते हैं, इन द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द हीट जनरेटेड थ्रू द रजिस्टर अप टू द इंस्टेंट चार्ज ऑन द कैपेसिटर ए इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर्स मैक्सिमम वैल्यू दैट द कैपेसिटर वुड फाइनली स्टोर. बोथ कैपेसिटर्स वर इनिशियली अनचार्ज्ड. तो अब देखोगे यहाँ से कुछ चार्ज फ्लो करेगा, वो इसमें करंट के फॉर्म में जा रहा होगा. अगर आई करंट है तो आई स्क्वायर आर इंटू डी टी करके इसको इंटीग्रेट करते हैं. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हीट आ जाती है, हीट लॉस और हीट जनरेटेड. बट अब देखोगे आई वेरी करेगा नोटोरियसली, तो इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग जाने वाला है. एक बात तो क्लियर है कि फाइनली कितना चार्ज जाने वाला है इस पर. आप जानते हो फाइनल कंडीशन में यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसका पोटेंशियल ई के बराबर हो जाएगा. तो फाइनल चार्ज इसके पास आएगा सी इंटू ई, क्योंकि Q is equal to CV होता है, V का मतलब E. तो टोटल चार्ज इसका CV के बराबर आने वाला है. तो हाफ होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज गया है उसका नाम अगर मैं Q1 रख दूँ और यहाँ पे जो चार्ज गया उसका नाम मैं Q2 रखूँ, तो Q1 की वैल्यू रही होगी CE by 2. जिस मोमेंट की ये बात कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू का हाफ है. अच्छा, अगर ये EC/2 रहा होगा तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये यहाँ पर किरचॉफ वैलिड रहेगा. किरचॉफ इक्वेशन से हम Q2 भी निकाल सकते हैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे. तो अपने को पता रहेगा Q2/2C मस्ट बी इक्वल टू Q1/C, दैट मीन्स Q2 मस्ट बी इक्वल टू 2Q1. यस, तो अगर ये आया तो इसका मतलब हुआ कि Q2 का जो वैल्यू आ रहा है वो सी ई आ रहा है उस टाइम पर जिस टाइम पर हम बात कर रहे हैं. तो फाइनल चार्ज अपने को पता चल गया. अगर अपने को फाइनल चार्ज पता चल गया तो यहाँ से कितना चार्ज गया होगा, यहाँ से क्यू गया होगा, तो क्यू की वैल्यू आई होगी Q1+Q2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जंक्शन लॉ. सो दैट विल बिकम 3/2 इंटू सी इंटू ई. ये सी ई है, सी बाई टू है, तो 3/2 हो जाएगा. अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं. क्या बोल सकते हैं कि जो बैटरी ने वर्क किया होगा वो कहाँ गया होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करा रहा होगा प्लस हीट के फॉर्म में जा रहा होगा. इसका मतलब है जो हीट प्रोड्यूस हुई होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द बैटरी माइनस स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इनिशियली कितना स्टोर था, जीरो. हाउ मच द वर्क बैटरी डज, तो जितना चार्ज है और जो चार्ज निकलता है इंटू ई, क्यू इंटू इज द वर्क डन बाय बैटरी. पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, अब आप दोनों की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर लो. सो ये आ जाएगा Q1 square by 2C, तो 2C होता है. ये आएगा Q2 square upon 2 into C, C की वैल्यू 2C. अब Q1 Q2 की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए और Q की वैल्यू रख दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, अपने को आंसर मिल जाएगा. CE square के टर्म में आ जाएगा, निकल आएगा. ये इंटीग्रेशन को अवॉइड करने के लिए था. आपने फाइनल चार्जेस देख लिए जिस मोमेंट की आप बात कर रहे थे और इनिशियल चार्जेस जीरो थे, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज प्लस हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी. हीट इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से हीट निकला होगा. ओके, सो इतना कॉपी कर लो, इसके बाद आपका आंसर मैच करेगा. नहीं कहता था, लेट मी नो. 20th में आंसर मैच नहीं हो रहा. व्हाट वाज 20th, वी कैन रीचेक इट. हाँ सर, मैंने रिंग को फिक्स्ड माना था. अभी अभी हो रहा है इसके बाद? यस सर, इसके बाद डेफिनेटली होगा अगर हम कैलकुलेशन सही करेंगे. और सिमिलरली यहाँ पर इन वैल्यूज को रखोगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा. सो दैट इज योर 27. बाकी ये भी आपने कर लिए होंगे और अगर डाउट है तो आप जरूर पूछ लीजिए. सो इस सीट में अगर कोई और डाउट बचा हो 30th क्वेश्चन में, ये 30 क्वेश्चंस जो हैं वो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्ट को कैच करने के लिए.
और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सो यू मस्ट ट्राई अगेन और अगर आपसे हो गया सो दैट्स बेस्ट केस सिनेरियो और नहीं हुआ सो गो थ्रू द थ्योरी एंड देन रीट्राई अगेन दैट्स द ओनली वे इस पे और भी अच्छे क्वेश्चंस थे काफी अगर आपने ट्राई किए हैं तो स्टिल कोई है किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो और नहीं तो फिर दैट्स ऑल फॉर द डे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपको जो शीट दिया गया उसका डिस्कशन करेंगे सो यू ट्राई दैट बिफोर ट्यूजडे मंडे को टेस्ट रहेगा टेस्ट में मोस्टली क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग रिवाइज किए हैं एक दो क्वेश्चन आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से आ सकता है तो बेसिक किरचॉफ्स लॉज को लेकर के तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर सर कैपेसिटर में डाउट था वो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ का वो समझा नहीं क्या रहता है एग्जैक्टली ओके इनकेस अगर आपको उस पे डाउट है तो मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ यहाँ पर ब्रेकडाउन को लेकर के होता क्या है कि अगर अपने पास ये कैपेसिटर है लेट्स से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और आप इसको चार्ज सप्लाई करते हो किसी सोर्स से क्यू तो जो भी चार्ज सप्लाई करते हो वो इस पे रिसाइड करता है और माइनस क्यू यहाँ पर गॉस लॉ के रिक्वायरमेंट से आता है और सिंस इसके पास कोई चार्ज नहीं था तो इस चार्ज क्यू को बाहर जाना पड़ता है तभी ये माइनस रहेगा सो दैट इन दोनों का सम जीरो रहेगा और यहाँ पे चार्ज एक्युमुलेट कर रहा है और यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो इसको चार्ज आगे जाता है सर्किट कंप्लीट होता है नाउ ये तो बहुत बेसिक बात थी आगे बढ़ते हैं इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो उसके लिए आपको डायलेक्ट्रिक लगाना होता है तो लेट्स से यहाँ पे कोई मीडियम है जैसे अपना एयर मीडियम हो गया वाटर मीडियम हो गया या कोई और मीडियम है हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पर इंड्यूस चार्ज आता है जिसका नाम होता है माइनस क्यूपी पोलराइज चार्ज और यहाँ पर प्लस वर्जन आता है जिसको बोलते हैं प्लस क्यूपी नाउ ये जो इंड्यूस फील्ड आती है या पोलराइज फील्ड आती है वो इस डायरेक्शन में आती है ओरिजिनल फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में थी ई ओरिजिनल रिजल्टेंट हमारा ई नॉट बड़ा होगा ई पी छोटा होता है तो इसलिए रिजल्टेंट फील्ड हमारी इधर आती है डायलेक्ट्रिक्स बेसिकली तो ये आता है ई नॉट माइनस ई पी इसके रूल्स भी हम लोगों ने पढ़ रखे हैं जैसे क्यू पी की वैल्यू कितनी आती है तो दैट्स लाइक क्यू वन माइनस वन बाई के के इज अ डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बेसिकली दैट्स ई नॉट बाई टोटल फील्ड सिंस हमने स्ट्रेंथ के बारे में बात किया तो हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं नो ये जो पोलर चार्ज पोलराइज हुआ है वो बेसिकली हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि मॉलिक्यूल हमारा पोलर हो या नॉन पोलर हो दोनों केस में ऐसा होता है तो प्लस चार्ज का सेंटर हमारा माइनस चार्ज का सेंटर दूर दूर हो जाता है और ये इनका बॉन्ड होता है जैसे लेट्स से एच टू है हाइड्रोजन है या फिर ओ टू है या फिर कोई और मटेरियल ये नॉन पोलर है तो इसका दोनों दोनों सेंटर यहाँ पर रहता है प्लस और माइनस अनलाइक जैसे एस सी एल है एस सी एल में प्लस सेंटर अलग होता है माइनस सेंटर अलग होता है तो पहले से उनके बीच में गैप रहता है पहले से डाइपोल होता है लेकिन एच टू का डाइपोल जीरो होता है लेकिन ये जो एक्सटर्नल फील्ड लगी है ना इस फील्ड ने क्या किया कि इधर एक फील्ड लगा था तो क्या प्लस चार्ज पर इधर फोर्स लगा होगा माइनस चार्ज पर इधर फोर्स लगा होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है वो बेसिकली क्या करता है इस बॉन्ड को बढ़ाता है बॉन्ड को बढ़ाता है क्या आपको लगता है कि अगर ये फील्ड स्ट्रांग होगी तो इनको इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा फोर्स लग रहा होगा और ऐसा बोलो कि अगर फील्ड बढ़ती रहेगी तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है बिल्कुल ब्रेक हो सकता है अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो प्लस चार्ज फ्री हो गया माइनस चार्ज फ्री हो गया तो ये फ्री चार्ज फिर मूव करना स्टार्ट करेगा उसी को हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मतलब ये जो क्यूपी चार्ज है या माइनस क्यूपी चार्ज है ये जो चार्ज है अभी बॉन्डेड है टुगेदर इसका मतलब वो मूव नहीं कर सकते हैं वो यहाँ से अनलाइक कंडक्टर में जो चार्ज चलता है उस तरह से नहीं मूव कर सकते दे आर बाउंडेड टुगेदर लेकिन यस अगर हम फील्ड बढ़ा रहे हैं तो इस वाले पर आप देखोगे इधर फोर्स लग रहा होगा जो चार्ज इंड्यूस्ड है इनटू ई के बराबर या फिर क्यूपी इनटू ई के बराबर लग रहा होगा उसका अपना जितना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा उसके बराबर ई बढ़ेगा तो ये फोर्स बढ़ेगा प्लस पर इधर फोर्स लग रहा होगा दोनों बढ़ेंगे
ज्यादा फील्ड अगर हम बढ़ाते रहे तो इतना बढ़ा देते कि ये जो इलेक्ट्रॉन है या फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो निकल के बाहर निकल आए, ये इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल आए, मटेरियल को ही छोड़ दे, मूव करना स्टार्ट कर दे, तो उसको बोलते हैं कि डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, दैट मीन्स डायलेक्ट्रिक ब्रेक हो गया। और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ब्रेक नहीं होता है, जस्ट ब्रेक होने वाला है, उसको बोलते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दैट मीन्स कोई डायलेक्ट्रिक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को बियर कर सकती है, उससे ज्यादा आपने लगाया सो इट विल बी कंडक्टिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल या प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हम लोग रियल लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं लाइक लाइटनिंग। आप देखते हो कि रेनी डेज पर आपको इस तरह से दिखता है कि एक करंट जैसा दिखता है, लाइट दिखती है, थंडर आ रहा होता है तो लाइटनिंग आती है। वो लाइटनिंग बेसिकली क्या होता है कि ये जो अर्थ है ग्राउंड और यहाँ पर क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करता है। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर एयर जो होती है, जो एयर है उसके बीच में, दैट इज डाइलेक्ट्रिक। अब एयर पे चार्ज मूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर फील्ड ज्यादा बड़ी हो गई, इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया, तो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना या फिर जो फ्री चार्ज है वो मूव करता हुआ दिखता है। तो जब चार्ज कंडक्टिंग हो जाता है मीडियम में तो हम बोलते हैं कि वो डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। सो लाइटनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर मीडियम, और जहां तक ये मैक्सिमम हैंडल कर सकता है दैट्स कॉल्ड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अंडरस्टूड? सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। फिर तो उसका कैलकुलेशन अपने सिलेबस में नहीं है क्या? कैलकुलेशन वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि कितना मैक्सिमम, व्हाट इज द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो हम उसके लिए बताएगा कि कितना चार्ज कैपेबल है, कितना पोटेंशियल के कैपेबल है, एक इंफॉर्मेशन देगा तो दूसरी इंफॉर्मेशन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी और इसके डीपर कैलकुलेशन अपने सिलेबस पे नहीं है। ऐसा बोलेगा कि अगर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमको पता हो इसकी, तो बताइए कि हम कितना पोटेंशियल लगा सकते हैं या फिर कितना चार्ज दे सकते हैं, ई की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो मैक्सिमम ई के बराबर हम चार्ज को अकोमोडेट करा देंगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि आप इस वाली प्लेट पे एक लिमिट से ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते हो, तो आपने एक लिमिट से ज्यादा चार्ज दिया तो फिर ये चार्ज मूव करने लगेंगे तो ये कंडक्टर बन जाएगा। सो ये माइनर टाइप का कैलकुलेशन करा सकता है और कोई डीप ज्यादा कैलकुलेशन नहीं। हाँ, थ्योरेटिकली पूछ सकता है कि व्हाट इज ब्रेकडाउन स्टोरी, व्हाट इज द स्ट्रेंथ केस, तो हम बता सकते हैं। कोई और कॉन्सेप्ट? तो जो नॉर्मल कैपेसिटर होता है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं रहता, उसका भी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ रहता होगा ना, या उसका नहीं रहता? वो कैपेसिटर का नहीं होता है, वो बेसिकली मीडियम का होता है। जब हम लोग ब्रेकडाउन की बात करते हैं वो मीडियम ब्रेकडाउन होता है, कैपेसिटर ब्रेकडाउन नहीं होता है। यहाँ पर जैसे क्लाउड्स के बीच में ये एयर थी ना, एयर ब्रेकडाउन हुई, तो यहाँ पर जो है वो ब्रेकडाउन होगा। नॉर्मली हमारे पास क्या रहता है, एयर रहती है। अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है तो एयर का ब्रेकडाउन चल रहा है, अगर किसी और मीडियम में तो उस मीडियम का ब्रेकडाउन चल रहा है, तो ब्रेकडाउन ऑफ डायलेक्ट्रिक्स, नॉट द कैपेसिटर। कैपेसिटर थ्योरेटिकली तो कितना भी चार्ज हैंडल कर लेगा, अब देते रहो इसको चार्ज, ये लेता रहेगा, देते रहो लेता रहेगा, और लेकिन उसके बीच का मीडियम अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो एक लिमिट के बाद वो मॉलिक्यूल्स जो है ये पोलराइज करेगा, पोलराइज करने के बाद वो कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह जो होगा वो ब्रेक होने लगेगा, क्योंकि एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, यही सारा कुछ होता है। सो वो बॉन्ड ब्रेक होने लगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्जेस हो गए, फ्री चार्जेस मूव करने लगते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर जैसे ही चार्ज फ्री हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस उसको मूव कराएगा, काफ़ी सारे चार्ज एक साथ मूव कर रहे होते हैं तो अपने को एक ब्राइट लाइट नज़र आने लगती है, यहाँ पर भी स्पार्क नज़र आने लगेंगे, करंट चलता हुआ नजर आने लगेगा। सो इट्स ऑफ मीडियम, नॉट ऑफ कैपेसिटर। यस सर। ओके, एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क, अदरवाइज वी आर डन फॉर द डे। एंड सो लास्ट टेस्ट के क्वेश्चन में डाउट था हीट के, वो मैंने आपको व्हाट्सएप करा था, एक ही क्वेश्चन। लास्ट टेस्ट के हीट का, आई गॉट इट, कि वो आपका इसका रहा होगा, एक अच्छा क्वेश्चन था, मैं बता देता हूँ कि एक स्फीयर रखा गया है और एक ब्लैक बॉडी के अंदर है, इज दैट? यस सर। ये एग्जाम में भी दिखाया गया, उसने बोला कि इसका
ये एक बॉडी है और इसका ई दे रखा है आपको, ई या ए जो भी दे रखा होगा, और ये टी टेम्परेचर पे मेंटेन है। आपसे पूछता है कितना रेडिएशन करता है। सो देखो रेडिएशन किस वजह से होता है, रेडिएशन इसके खुद के टेम्परेचर की वजह से हो रहा होगा, और खुद के टेम्परेचर से जो रेडिएशन आता है, लेट्स उसका नाम हम यू वन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आती है ई सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4। ई और ए की वैल्यू बराबर होती है, उसने कुछ 0.6 या 0.4 या पॉइंट कुछ नंबर दिया होगा, जो भी नंबर, वो हमारे लिए मैटर नहीं करने वाला है। सो दिस इज द रेडिएशन बिकॉज ऑफ इट्स ओन टेम्परेचर। सिंस ये ब्लैक बॉडी है और ये टी टेम्परेचर पर मेंटेन है, तो ये जो भी रेडिएशन देगा उस रेडिएशन से ये ब्लैक बॉडी भी टी टेम्परेचर पर रेडिएशन दे रही होगी, और अगर ये रेडिएशन आप देखोगे तो ये इस पर इंसिडेंट करेगा, इसका कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये जो रिफ्लेक्ट होगा ये भी इमिट हुआ, तो बॉडी नट सेल पे कितना इमिट कर रही है, U1 plus U2। अपने को पता है डायरेक्टली स्टीफन से पता चला, U2 के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो आ रहा होगा, सिंस ये ब्लैक बॉडी है तो ये आ रहा होगा सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4। उसका ए फैक्टर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जो एब्जॉर्ब हो रहा होगा वो ए सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4। आपको याद है हम लोगों ने बात की थी कि अगर आपने Q1 इंसिडेंट कराया, Q2 एब्जॉर्ब हुआ, तो ए डिफाइंड एज Q2 अपॉन Q1, दैट मींस Q2 मस्ट बी ए इनटू Q1। Q1 इज दिस, ए से मल्टीप्लाई कर दो तो Q2 मिल जाता है। अच्छा, जितना आया उसका कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया, तो बचा हुआ रिफ्लेक्ट बैक हुआ, तो रिफ्लेक्ट बैक आएगा 1 - A सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4। तो आप इसको लिख सकते हो ई सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4 प्लस 1 - A सिग्मा कैपिटल ए टी रेस्ट पावर 4। फिर हमने को पता है किरचॉफ्स लॉ से ई और ए तो आपस में बराबर होते हैं, सो उसको आप यहाँ पे रख दो, ई बना दो उसको, ये बनेगा ई प्लस 1 - E सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जाएगा 1 - सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4। पॉइंट इसकी जब हम ब्लैक बॉडी के अंदर किसी बॉडी को रखते हैं ना, तो उसका जो टोटल इमिशन होता है वो 1 time हो जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन उसको 1 - E फैक्टर दे रहा होता है और खुद का इमिशन जो है ई दे रहा होता है, तो दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा सवाल है। यस सर। सो इट इज बिकॉज ऑफ ब्लैक बॉडी सराउंडिंग इट। Okay, so, तो लाइक कोई दूसरी बॉडी तो भी वर्किंग तो सेम ही रहेगा ना, बस ए बदल उसका बदल जाएगा। एग्जैक्टली वर्किंग है या इफ यू आर कैचिंग द वर्किंग दैट्स गुड। सो उसमें ब्लैक बॉडी नहीं होगी तो फिर ये वाला इंसिडेंट करेगा, इसके साथ कुछ ई आ रहा होगा, तो जो बॉडी इमिट कर रही होगी उस जिसका बॉडी का अपना अलग ई हो सकता है, और सिंस वो ब्लैक बॉडी थी इसलिए उसका 1 था। यस सर। ओके, सो टेस्ट पेपर में मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेन पोर्शन रहेगा, सो रिवाइज इट केयरफुली, और फिर इसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म का शीट भी दे दिया है, सो इन केस यू हैव सॉल्व द करंट इलेक्ट्रिसिटी गो फॉर द मैग्नेटिज्म। ओके, थैंक यू देन। थैंक यू सर।